रुहेलखंड, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की खबरें, पूर्वांचल की सरगर्मियां, ब्रज और अवध की सुर्खियां, राजधानी लखनऊ की हलचल और एनसीआर का हालचाल, यानी उत्तर प्रदेश का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। आगरा, लखनऊ, बनारस, कुमाऊं, गढ़वा, आजमगढ़, ऋषिकेश, कानपुर, देहरादून, देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हर शहर की खबर सिटी प्लस में रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं, तुलसी सादा पान मसाला। सूबे की राजधानी लखनऊ, दरिंदे यहां भी खुलेआम हैवानियत का गंदा खेल खेल रहे हैं। बहू बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, इसकी तस्दीक राजधानी लखनऊ की एक और वारदात कर रही है। सुरक्षा के उन दावों की पोल खोल रही है जो सियासत के धुरंधर एक के बाद एक करते आए हैं। एक बार फिर 14 साल की एक नाबालिग से बलात्कार। राजधानी लखनऊ की कोतवाली आलमबाग, रात का वक्त है, खामोशी पसरी है। कोतवाली के अंदर खड़े ये दो चेहरे देखिए, फिलहाल इनकी शक्ल का नूर फीका पड़ चुका है। पुलिस का मेहमान बनने के बाद इनकी हवा निकल चुकी है, करतूत ही कुछ ऐसी है इनकी। इल्जाम बेहद संगीन है, सजा जल्द मुकर्रर होगी इनकी। जेल की सलाखों के पीछे जल्द चक्की पीसने वाले हैं ये दोनों। मुमकिन है इनकी काली करतूत का चिट्ठा खुलने के बाद आप भी इन्हें लानत भेजे, ना जाने किस किस नाम से आप इन्हें नवाजे, हैवान, वहशी या फिर दरिंदे। पुलिस की माने तो एक महिला की तहरीर पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। अमित और वीरेंद्र पर बलात्कार का इल्जाम लगा है, 14 साल की एक नाबालिग के साथ रेप का घिनौना इल्जाम। पिता के साथ 14 वर्ष की है नाबालिग है, दो लड़कों में अमित और वीरेंद्र, इन लड़कों ने बलात्कार किया है। इस बात का मुकदमा लिखाया गया है जिसमें कि हम लोगों ने विवेचना के बाद कार्रवाई करते हुए तत्काल त्वरित गति से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। हाँ, मेडिकल परीक्षण के लिए उसको तत्काल बलरामपुर हॉस्पिटल भेजा गया है। सब कोई कभी कनेक्शन या फिर रिश्तेदारी का कोई मामला आया है? अभी हम लोग विवेचना से इस चीज को भी और जानकारी कर रहे हैं, डिटेल कार्रवाई की जा रही है। सुन ली आपने भी इन दरिंदों की करतू। लखनऊ के आलमबाग इलाके की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर अमित और वीरेंद्र एक खाली मकान के अंदर ले गए, मासूम के साथ जमकर मनमानी की और फिर लड़की को बदहवास छोड़ मौकाए वारदात से फरार हो गए। किसी तरह लड़की घर पहुंची और सारी आप बीती बताई। परिवार ने सीधा रुख आलमबाग कोतवाली का किया और सारा वाक्या बयां कर दिया। पुलिस ने मामला गंभीरता से लेते हुए दरिंदे अमित और वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद दोनों आरोपी अपना घिनौना जुर्म खुद अपनी जुबानी कबूल कर रहे हैं। पूरी घटना सर ये हुई थी कि लड़की को हमारे साथ भेजा गया था मोबाइल के बहाने, तो उसको हम लोग ले गए थे, फिर उसके साथ हम लोग ने गलत काम किया। बोलो क्या किया भैया, क्या मतलब तुम पहले जानते थे लड़की? जी, वहाँ में जीजा का कमरा था, वो गए थे गांव,
उसके बाद जाने के बाद चार ताला खोलो, ये एक करीब एक घंटे के आसपास लगे रहे वहीं। उसके बाद इन्होंने हमको बुला लिया। करे थे क्या? करे थे ठीक से बताओ ना, लड़की से गलत काम किए तुम? लड़की के साथ गलत काम किए थे। फिलहाल पुलिस ने अमित और वीरेंद्र के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया है। साथ ही लड़की का मेडिकल टेस्ट करवाया जा रहा है। लेकिन एक सवाल, जब सूबे की राजधानी लखनऊ की बहू बेटियां महफूज नहीं, तो फिर किसी और शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर कैसे भरोसा किया जाए? सियासत के धुरंधर अपना गलियारा महफूज नहीं रख पाए तो फिर और कैसी उम्मीद की जाए? अभिषेक सिंह, लखनऊ समाचार प्लस। देवभूमि उत्तराखंड, यहां एक खबर सुर्खियां बटोर रही है। शहर है देहरादून, सूबे की राजधानी। पुलिस के हाथ एक कामयाबी लगी है। सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। गिरोह की 6 लड़कियां और 6 युवक चढ़े हैं हत्ते। देहरादून कोतवाली पटेल नगर के अंदर खड़े ये लोग देखिए। कोई चेहरा छिपाना चाहता है, कोई सर झुकाकर खड़ा है, कोई चेहरे पर कपड़ा डालकर, तो कोई हाथ से शक्ल छिपाकर चौड़ा हो रहा है। कुछ युवतियां हैं तो वहीं कुछ युवक भी हैं। आपके जहन की दीवार पर एक सवाल बार बार दस्तक दे रहा होगा, आखिर माजरा क्या है? एक साथ इतने लोग पुलिस के मेहमान कैसे? चलिए सारी कहानी तफसील से बयां की जाए। दरअसल कोतवाली पटेल नगर पुलिस का शिकार बने ये लोग गोरी चमड़ी का काला कारोबार करने वाले सौदागर हैं। 6 युवतियां और 6 युवक पुलिस ने मुखबिर के हवाले से छापा मारकर इन्हें धर दबोचा। सूचना मिली थी प्रेलोक कॉलोनी में इस तरीके के सेक्स रैकेट चलने की, तो उसमें जब टीम गई तो वहां से 6 महिलाओं और 6 पुरुषों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। पुलिस की माने तो शिमला बाईपास रोड के एक घर में सेक्स रैकेट चलने की शिकायत लगातार मिल रही थी। किराए का मकान लेकर ये 6 युवक इन 6 युवतियों की मदद से गोरख धंधा अंजाम देने में लगे थे। बस पुलिस ने जाल बिछाया और धर दबोची जिस्म के सौदागरों की ये मंडली। साथ ही गिरोह की सरगना दीपा शर्मा और विकास शर्मा भी रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक ये लोग लड़कियां दिल्ली और कोलकाता से मंगवाया करते थे। इसमें से कुछ लड़कियां बाहर की भी हैं, जैसे कलकत्ता की है, दिल्ली की हैं, तो ये लोग आए हुए थे। तो पिछले अभी तो पूछताछ नहीं कर पाए हैं ज्यादा, तो ये कह रहे हैं 3-4 दिन से लोग यहीं थे। फिलहाल पुलिस ने गोरी चमड़ी का काला कारोबार करने वाले इन लोगों पर नकेल कस सुकून की सांस ली है। साथ ही इन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की पूछताछ जारी है। लेकिन एक सवाल, कम वक्त में ज्यादा पैसा कमाने की चाह इंसान पर इस कदर क्यों हावी होती है कि सही और गलत का अंदाजा लगाना ही भूल जाता है? सौरभ भाटिया, देहरादून समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए, जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। सूरज निकलने से पहले
हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों, किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों की माँ के लिए भी। अरे दिन भर पसीना बहाते हैं पर रात को सोचते हैं दो रोटी कम खा लें ताकि इनको ज्यादा मिल सके। हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको ना मिला वो इनको मिले। बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान, बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य का राज है 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। हमने इस्तेमाल किया कंडो, गर्भ निरोधक गोलियाँ, IUCD। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। शिक्षक भर्ती घोटाले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला गिरफ्तार, 22 तारीख को होगा सजा का ऐलान। लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात होमगार्ड ने लगाई सुरक्षा में सेम, सीएम के सचिव के लेटर पैड पर फर्जी दस्तखत और मोहर लगाकर जारी किए फर्जी आदेश। मथुरा के शेरनगर पहुंचे सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह, शहीद हेमराज के परिजनों से मिले, शहीद की पत्नी को दिया सेना में नौकरी का आश्वासन। गंगावार नियंत्रण पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत ने की राज्य के मंत्रियों के साथ बैठक, बाढ़ से निपटने को लेकर हुई चर्चा। उत्तराखंड में 20 दिनों के बाद मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, कल से काम पर लौटेंगे कर्मचारी, सरकार ने मानी हड़ताली कर्मचारियों की मांग, यूपी के समान ग्रेड 1 अप्रैल से होगा लागू। हरदोई में बाल सुधार गृह से भागे 50 बाल कैदियों ने किया सरेंडर, पुलिस कर्मियों की राइफलें छीनकर फायरिंग करते हुए सुधार गृह से फरार हो गए थे बाल कैदी। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ संजीव शरण और आईडीसी अनिल गुप्ता की छुट्टी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ रमा रमण को मिला नोएडा अथॉरिटी का अतिरिक्त चार्ज। वाराणसी के हरिश्चंद्र कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट, आक्रोशित छात्रों ने की गाड़ियों और दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी, हंगामे में करीब 1 दर्जन छात्र घायल। बस्ती में 4 साल की मासूम के साथ रेप, बच्ची की हालत नाजुक, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। और लंदन के बीचों बीच वॉक्सहॉल रेलवे स्टेशन के पास विमान हादसा, क्रेन से टकराकर क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, 2 की मौत। समाचार प्लस पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के नेता और एमएलसी जसवंत सिंह ने कहा है कि बलात्कार के आरोपी यूपी के मंत्री मनोज कुमार पारस पूरी तरह से है पाक साफ और उनके खिलाफ दर्ज बलात्कार का मुकदमा राजनीति से है प्रेरित। समाचार प्लस के सबसे खास पेशकश बिग बुलेटिन में आज सपा के एमएलसी जसवंत सिंह ने कहा कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और पूरी समाजवादी पार्टी यूपी के मंत्री मनोज कुमार पारस को बलात्कारी नहीं मानती है और हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर मनोज कुमार पारस के साथ खड़े हैं। यहां हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। समाचार प्लस के खास कार्यक्रम बिग बुलेटिन में आज सपा के एमएलसी जसवंत सिंह ने कहा कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और पूरी समाजवादी पार्टी यूपी के मंत्री मनोज कुमार पारस को बलात्कारी नहीं मानती है और हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर मनोज कुमार पारस के साथ खड़े हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा सपा के एमएलसी जसवंत सिंह ने। मैं कह रहा हूं कि अगर उनको समाजवादी पार्टी बलात्कारी मानती जो आपकी थ्योरी है तो उनको टिकट नहीं देती। अब मैं चुनाव जीते तो समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है, जानती है कि जो न्यायालय में मामला है उसके निर्णय आने के बाद ही उस पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। बात आपकी समाप्त की। इस तरह तो मुकदमे लिखने लिखाने की प्रक्रिया बहुत होती है, तमाम राजनीतिक मुकदमे लिखे जाते हैं,
आपको ज्ञात नहीं होगा। जसवंत जी आपकी बात समाप्त हुई, अब मैं बोलूं? बोलिए। मैं पहली बार आपके श्रीमुख से सुन रहा हूं कि बलात्कार का मुकदमा भी